असम में बाल विवाह के खिलाफ जारी अभियान, 20 जिलों में बाल विवाह मुक्त बनेगा भारत। सेम सेक्स मैरिज को लेकर जस्टिस चंद्रचूड़ का बड़ा बयान, कहा विषमलिंगीय किन्नरों को शादी का अधिकार। गृह मंत्री अमित शाह आज आदिवासी युवाओं से होंगे रूबरू, दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होगा कार्यक्रम। माननीय सर्वोच्च न्यायालय कलोजियम ने 5 उच्च न्यायालयों के लिए 16 नामों की खीरी सिफारिश। तमिलनाडु में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से 14 की मौत, मुख्यमंत्री ने सहायता राशि देने की घोषणा की। राहुल गांधी ने खटखटाया बॉम्बे उच्च न्यायालय का दरवाजा, RASS मानहानि से जुड़ा है मामला। ऑपरेशन अजय के तहत स्पाइस जेट का विमान इसराइल से 286 यात्रियों को लेकर पहुंचा दिल्ली, लगे भारत माता के नारे। चंद्रबाबू नायडू की याचिका पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रखा, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को दी थी चुनौती। शिवसेना विधायकों की अयोग्यता मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पीकर को दिया आखिरी मौका, 30 अक्टूबर को होगी सुनवाई। सिक्किम में अचानक आई बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 40, अभी भी लापता है 76 लोग। कर्नाटका में बड़ी मात्रा में नकदी बरामदगी की हो CBI जांच, भाजपा ने कर्नाटक में कांग्रेस के खिलाफ किया प्रदर्शन। केंद्रीय कर्मी को मोदी सरकार ने दिया गिफ्ट, किया बोनस का ऐलान। केंद्र सरकार ने कबाड़ से कमाए 117 करोड़ 32.54 लाख वर्ग फुट का ऑफिस स्पेस भी हुआ खाली। हाईवे और एक्सप्रेस वे पर नियमों का उल्लंघन रोकेंगे नए कैमरा, ATMS को किया जाएगा अपग्रेड। पाकिस्तान की फायरिंग में 2 BSF जवान घायल, 2021 के शांति समझौते के बाद पहली बार सीज फायर तोड़ा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर दाखिल रिव्यू पिटीशन को सुनेगा, अदालत कानूनों के 2 नियमों का रिव्यू करे। राष्ट्रपति का बिहार दौरा, एयरपोर्ट पहुंचे राज्यपाल, CM डिप्टी CM पटना में कई रूट डायवर्ट। सरक्रीक और सुंदरबन में ही होगी तैनात फास्ट पेट्रोल बोट। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर को आखिरी मौका, कहा विधायक अयोग्यता केस की समय सीमा तय करे। IMEC के लिए INSTC को नहीं छोड़ेगा भारत, NSA डोभाल ने ढांचागत नेटवर्क पर की चर्चा।